गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट हो गया है, अब ज्वाइन कर जाइए। थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो गया था। ज्वाइन एवरीबॉडी, शेयर टू योर फ्रेंड्स, से आवर्ती गुड इवनिंग। नेटवर्क इश्यू हो गया था, चलिए अब ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। आर्यभट्ट फ्लोरिश ड्यूरिंग राइन ऑफ विच डायनेस्टी? ऑप्शंस आर मौर्या, गुप्ता, नंदा, चोला। गुड इवनिंग अथर्वनक्ष, गुड इवनिंग। चलिए आंसर करिए जल्दी। वेरी गुड श्रेया भारती, सही जवाब। अथर्व आपका सही नहीं है। श्रेया भारती राइट आंसर। चलिए ठीक है आपका, आपने सही जवाब दिया है। अथर्व आपका गलत है। चलिए बाकी लोग भी जवाब दीजिए। श्रेया भारती ठीक है। ओके ओके, आपका तो सही है। चलिए आंसर आ चुके हैं मेरे पास, बाकी लोग भी जल्दी ज्वाइन कर जाइए। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गुप्ता। गुप्ता डायनेस्टी में आर्यभट्ट ने फ्लोरिश किया था। ऑप्शन बी इज द राइट, गुप्ता डायनेस्टी। अर्णब ठाकुर गुड इवनिंग। चलिए बाकी लोग भी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। खुशबू कुमारी सही है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अथर्व सिंह नाउ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार? एंड द ऑप्शंस आर सर जेम्स डेविड सिफ्टन, सर हगडो, सर मॉरिस गार्नियर हैलेट, सर थॉमस अलेक्जेंडर स्टीवर्ट। खुशबू कुमारी नो 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 नॉट राइट। अभी तक सही नहीं जवाब आया है किसी का भी। नो, अभी तक किसी का भी सही जवाब नहीं आया है। खुशबू कुमारी यस यस राइट आंसर। आपने अब गेस किया है, सही गेस किया है, सही जवाब है। ओके एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। यस अथर्व सिंह, श्रेया भारती ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज द राइट। सर जेम्स डेविड सिफ्टन वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार। अर्णब ठाकुर ठीक है आपका भी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम बिहार टू विन ज्ञानपीठ अवार्ड? हु वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम बिहार टू विन ज्ञानपीठ अवार्ड? एंड द ऑप्शंस आर चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर, अशोक कुमार, रामधारी सिंह दिनकर, तपन सिन्हा। यस खुशबू कुमारी राइट आंसर। अथर्व कुमार सही नहीं है आपका। श्रेया भारती राइट आंसर। अथर्व सिंह नाउ यू आर राइट। अर्णब ठाकुर यू आर ऑल्सो राइट। मस्ट शेयर दिस सेशन टू योर फ्रेंड्स। सेशन को शेयर भी करिए बाकी लोगों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर सके। बहुत सारे लोगों को शायद पहले वाला टाइम पता है, 8:30 के आसपास आते हैं, कल किसी कारण से लेट हो गया था। चलिए राइट आंसर इज रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर इज द राइट आंसर। पहले बिहार के थे जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्टर इज ऑल्सो नोन एज बिहारी बाबू? विच एक्टर इज ऑल्सो नोन एज बिहारी बाबू? एंड द ऑप्शन आर मनोज बाजपेयी, मनोज तिवारी, शत्रुघ्न सिन्हा, पंकज त्रिपाठी।
थैंक यू अर्णव ठाकुर. विच एक्टर इज ऑल्सो नोन एज बिहारी बाबू? ऑप्शन आर मनोज बाजपेयी, मनोज तिवारी, शत्रुघ्न सिन्हा, पंकज त्रिपाठी. श्रेया भारती, खुशबू कुमारी, गलत जवाब. अथर्व सिंह आपका भी गलत है. यस खुशबू सिंह, खुशबू कुमारी, नाउ यू आर करेक्ट, अब सही है. अथर्व सिंह सही है, अर्णव ठाकुर सही है. चलिए, कई सारे कई लोगों ने अटेम्प्ट ले लिए. ओके, बहुत फेमस क्वेश्चन था ये तो. बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा को कहा जाता है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, शत्रुघ्न सिन्हा. यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. इन विच टाउन भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी इज लोकेटेड? इन विच टाउन भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी इज लोकेटेड? एंड द ऑप्शंस आर बिहार शरीफ, सिवान, दानापुर, मोकामा. बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है. अथर्व सिंह यस राइट आंसर, राइट आंसर अथर्व सिंह आपका सही है. श्रेया भारती आपका गलत है. श्रेया भारती दोबारा गलत है. अर्णव ठाकुर राइट आंसर. श्रेया भारती नाउ यू आर राइट. खुशबू कुमारी नहीं, आपका सही नहीं है. अथर्व सिंह ठीक है, आपने पहले भी सही जवाब दिया था, ठीक था. खुशबू कुमारी नाउ यू आर राइट. चलिए, तो कई सारे सही जवाब आ गए हैं. एंड द राइट आंसर इज मोकामा. मोकामा में भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लोकेटेड है, बिहार के मोकामा में. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मोकामा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी ऑफ बिहार इज कनेक्टेड बाई डायरेक्ट सर्विस ऑफ कोलंबो बैंकॉक फ्लाइट? Which city of Bihar is connected to direct service of Colombo Bangkok flight? And the options are Gaya, Darbhanga, Patna, Purnia. अभी तक किसी का भी सही जवाब नहीं आया है. नहीं, श्रेया भारती नो नो नो. किसी का भी सही जवाब नहीं आया अभी तक. शायद किसी को पता नहीं है, कोई गेस नहीं कर पा रहा है अभी भी नहीं. चलिए मैं बता देता हूं, गया इज द राइट आंसर. यस श्रेया भारती, अब आपने बहुत सारे अटेम्प्ट के बाद तो ऑप्शन ही नहीं बचा था, सही अटेम्प्ट किया है. ऑप्शन ए गया. गया एयरपोर्ट जो है वो कोलंबो बैंकॉक फ्लाइट से कनेक्टेड है. गया आपको ऐसे भी पता है कि विदेश से लोग आते हैं वहां पे गौतम बुद्ध के बारे में जानने के लिए. सो गया इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए गया. ओके खुशबू कुमारी ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज द मोस्ट डेंस फॉरेस्ट? सबसे घना जंगल बिहार के कहां पे पाया जाता है? किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा घना जंगल है? पूर्णिया, गया, कैमूर, नालंदा. नो नो नो, अथर्व सिंह नहीं. श्रेया भारती आपका भी सही नहीं है. नो, अभी तक किसी का भी सही जवाब नहीं है. No, option A is not right. No, Shreya Bharati, इसमें नहीं नहीं गया is not right answer. Yes, Arnav Thakur, Shreya Bharati, अब सही है आपका. खुशबू कुमारी सही नहीं है. No, Atharv Singh. सही आंसर आ गया है. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कैमूर. कैमूर डिस्ट्रिक्ट में सबसे घना जंगल पाया जाता है. यस, अब ठीक है खुशबू कुमारी, अथर्व कुमार. कैमूर डिस्ट्रिक्ट में सबसे डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है बिहार के. सो द राइट आंसर इज कैमूर, ऑप्शन सी.
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मुंडेश्वरी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? मुंडेश्वरी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? एंड द ऑप्शंस आर बक्सर, रोहतास, भोजपुर, कैमूर। कार्तिक राज सही नहीं है। श्रेया भारती, यस श्रेया भारती सही जवाब, सही है आपका। खुशबू कुमारी ठीक नहीं है। अथर्व सिंह नो। अर्णव ठाकुर सही है। कार्तिक राज अब सही है आपका। यस कई सारे लोगों ने सही जवाब दे दिया है। एंड द राइट आंसर इज कैमूर। इसका भी जवाब कैमूर ही है। मुंडेश्वरी टेम्पल इज लोकेटेड इन कैमूर डिस्ट्रिक्ट। सो द राइट आंसर इज कैमूर। इसका भी सही जवाब कैमूर ही होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ए स्पेसीज ऑफ ब्लैक ग्वाभा वाज डेवलप्ड बाय विच यूनिवर्सिटी? स्पेसीज ऑफ ब्लैक ग्वाभा was developed by which university? And the options are Bihar Agriculture University, Bhagalpur, Nalanda College of Horticulture, Agriculture College, Patna, Dr. Rajendra Prasad Central Agriculture University, Samastipur. Kartik Raj, आप बार-बार यही कह रहे हैं, मैं हर जगह ऐसे ही पढ़ाता हूँ। शायद आप मेरे क्लास में नहीं होंगे इसलिए आपको आइडिया नहीं। कई सारे लोगों ने जवाब दिया है लेकिन किसी का भी जवाब अभी तक सही नहीं आया है। सही जवाब किसी का भी नहीं है अभी। यस कार्तिक राज, श्रेया भारती अब ठीक है। कार्तिक राज आप अच्छा, आप लगता है सारे ऑप्शंस अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको पता नहीं है। श्रेया भारती, कार्तिक राज पहले आपने सही जवाब दिया था ऑप्शन ए। चलिए मैं ही बता देता हूँ, बहुत बाकी लोगों को पता नहीं। ऑप्शन ए बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भागलपुर, यहीं पे हुआ था, ब्लैक ग्वाभा डेवलप किया गया था बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भागलपुर में। ब्लैक ग्वाभा इज डेवलप्ड बाय बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भागलपुर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। आपको आंसर नहीं पता है, इट्स ओके, कोई बात नहीं है, आप उसको याद कर सकते हैं। अगली बार जब क्विज में आए या फिर कहीं किसी एग्जाम में आपको पूछा जाए तो आप जवाब बता दे सकते हैं, तो इसको लर्न कर लीजिए। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। साइक्लोपियन वॉल इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? साइक्लोपियन वॉल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? साइक्लोपियन वॉल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? ऑप्शंस आर बोधगया, राजगीर, औरंगाबाद, जहानाबाद। नो अभी तक किसी का भी। ओके ओके ओके, खुशबू कुमारी, अथर्व सिंह, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दिया है ये सही है। श्रेया भारती सही है। यस सही है आपका। चलिए बाकी लोग भी जवाब दीजिए। नो कार्तिक राज ये सही नहीं है, ऑप्शन सी इज नॉट राइट आंसर। चलिए मैं क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। सही आंसर है ऑप्शन बी राजगीर। ऑप्शन बी राजगीर इज द राइट आंसर। अर्णव ठाकुर ठीक है आपका। कार्तिक राज अब ठीक है। ऑप्शन बी राजगीर इज द राइट आंसर। यस 10 का दिया है अथर्व, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी सही जवाब है राजगीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चलिए इसका जवाब मैं बाद में बता दूंगा, अभी फिलहाल क्विज कर लेते हैं, नहीं तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा, टाइम भी लिमिटेड है। श्रेया भारती मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मिशन आरोग्य रक्षक वाज लॉन्च्ड फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार?
मिशन आरोग्य रक्षक वाज लॉन्च्ड फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एंड द ऑप्शंस आर मुजफ्फरपुर हाजीपुर दरभंगा कटिहार कार्तिक राज नो खुशबू कुमारी और अथर्व सिंह आपका भी गलत है यस श्रेया भारती सही जवाब अब सही जवाब आया है आपका कार्तिक राज अभी भी गलत है यस कार्तिक राज अर्णव ठाकुर सही है अब सही है चलिए कई लोगों ने सही जवाब दे दिया है एंड द राइट आंसर इज मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर में लॉन्च हुआ था मिशन आरोग्य रक्षक सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्लेस इज इन हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड एज मिनी स्विट्जरलैंड विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड एज मिनी स्विट्जरलैंड एंड द ऑप्शंस आर धर्मशाला खरजियार सोलन कसौली क्वेश्चन नंबर 12 है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड एज मिनी स्विट्जरलैंड एंड द ऑप्शंस आर धर्मशाला खरजियार सोलन कसौली नो नहीं श्रेया भारती और कार्तिक राज दोनों लोगों का सही जवाब नहीं है अथर्व सिंह आपका भी सही नहीं है कार्तिक राज नो अभी तक किसी का भी जवाब सही नहीं है सब लोगों ने बहुत सारे ट्राई कर लिए अर्णव ठाकुर ठीक है अर्णव ठाकुर आपका ठीक है सही जवाब आपने बड़ा इंतजार करके जवाब दिया है बाकी लोग के ऑप्शंस देखने के बाद श्रेया भारती ठीक है चलिए सही जवाब मैं बता देता हूं एंड द राइट आंसर इज खरजियार खरजियार हिमाचल प्रदेश में है जिसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी खरजियार खुशबू कुमारी अब ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 बिकॉज वहां स्विट्जरलैंड जैसा ही मौसम होता है इसलिए स्विट्जरलैंड उसको बोला जाता है चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द ग्रुप ऑफ 84 टेम्पल्स 84 टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश एंड द ऑप्शंस आर पंगी धर्मशाला बरमौर बकलोह The group of 84 temples is located at which place in Himachal Pradesh? No. Atharv Singh, nahi. Kartik Raj, aapka bhi sahi nahi hai. Shreya Bharti, yes, Shreya Bharti, sahi jawab hai aapka. Kushbu Kumari, nahi. Shreya Bharti, aapka sahi hai. अर्णव ठाकुर कार्तिक राज अब ठीक है आपका चलिए कई सारे लोगों ने सही जवाब दे दिया है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी बारमौर बारमौर में आपको 84 टेम्पल है हिमाचल प्रदेश के बारमौर में 84 टेम्पल्स एक जगह पे है ग्रुप ऑफ 84 टेम्पल्स सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी बारमौर ठीक है अथर्व सिंह खुशबू कुमारी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 मणिकरण हॉट वाटर स्प्रिंग आर प्रेजेंट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश मणिकरण हॉट वाटर स्प्रिंग आर प्रेजेंट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड द ऑप्शंस आर कुल्लू मंडी शिमला हम जवाब नहीं है कार्तिक राज यस राइट सही है कार्तिक राज आपका नेट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नहीं दिख रहा है
नहीं मेरे इधर तो नेट प्रॉब्लम नहीं है। अथर्व सिंह ठीक है, खुशबू कुमारी ठीक है, मेरा नेट प्रॉब्लम तो नहीं है, शुरू में था, इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था उस समय प्रॉब्लम थोड़ी हो गई थी, बट नाउ इट इज इट विल फाइन, अब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नेट प्रॉब्लम मेरे में। खुशबू कुमारी, श्रेया भारती, अर्णब ठाकुर ठीक है आपका, ओके कई सारे सही जवाब आए हैं, एंड द राइट आंसर इज कुल्लू, ऑप्शन ए कुल्लू इज द राइट आंसर, कुल्लू में ही आपका हॉट वाटर स्प्रिंग है। चलिए ओके ओके कार्तिक, इट्स ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पास लाइज इन हिमाचल प्रदेश, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पास लाइज इन हिमाचल प्रदेश, रोहतांग पास, नाथुल्ला पास, डोंखा डोंखाला, खुंजेराब पास, इनमें से कौन सा पास हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है? यस अथर्व सिंह सही जवाब है आपका, श्रेया भारती सही जवाब, कार्तिक राज, अथर्व सिंह आपका पहले भी सही था, अर्णव ठाकुर ओके सही जवाब, कई लोगों ने सही जवाब दे दिया है, राइट आंसर एडीके गेमिंग सही जवाब, बहुत लेट ज्वाइन किया है आपने एडीके, हाय। चलिए राइट आंसर इज रोहतांग पास, रोहतांग पास ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आपका हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज नोन एज द किंग ऑफ बॉलीवुड म्यूजिक, हु वाज नोन एज द किंग ऑफ बॉलीवुड बॉलीवुड म्यूजिक, एंड द ऑप्शंस आर किशोर कुमार, सचिन देव बर्मन, राहुल देव बर्मन, मोहम्मद रफी, ओके डीके इट्स ओके, हु वॉज नोन एज द किंग ऑफ बॉलीवुड म्यूजिक, यस अथर्व सिंह राइट आंसर सही जवाब, एडीके सही नहीं है, किशोर कुमार सही नहीं होगा, खुशबू कुमारी आपका भी ठीक नहीं है, श्रेया भारती सही जवाब, अर्णव ठाकुर सही है, चलिए नाउ खुशबू कुमारी करेक्ट आंसर, चलिए कई सारे सही जवाब आ गए हैं मेरे पास, एंड द राइट आंसर इज राहुल देव बर्मन, आरडी बर्मन को बोला जाता है किंग ऑफ म्यूजिक, किंग ऑफ बॉलीवुड म्यूजिक, आरडी बर्मन को बोला जाता है किंग ऑफ बॉलीवुड म्यूजिक, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी राहुल देव बर्मन। चलिए कार्तिक ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द वर्सेटाइल बॉलीवुड एक्टर इरफान खान हु वॉज रिसेंटली पास्ड अवे हैड वोन नेशनल अवार्ड फॉर विच मूवी, द वर्सेटाइल बॉलीवुड एक्टर इरफान खान हु रिसेंटली पास्ड अवे हैड वोन नेशनल अवार्ड फॉर विच मूवी, एंड द ऑप्शन आर लंच बॉक्स, पान सिंह तोवर, लाइफ ऑफ पाई, हैदर, ऑप्शन आर लंच बॉक्स, पान सिंह तोमर, लाइफ ऑफ पाई, हैदर, ओके कार्तिक ओके, चलिए जवाब दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, खुशबू कुमारी यस सही जवाब, श्रेया भारती, अथर्व सिंह राइट आंसर, कार्तिक आपका सही नहीं है, यस अर्णव ठाकुर राइट आंसर, चलिए कई सारे सही जवाब आ गए हैं इस क्वेश्चन के, और काफी आसान क्वेश्चन था, पान सिंह तोमर इज द राइट आंसर, एडीके सही है, पान सिंह तोमर के लिए इनको मिला था नेशनल अवार्ड, ओके कार्तिक अब ठीक है आपका, सो द राइट आंसर इज पान सिंह तोमर ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंडीशन इन विच द ह्यूमन बॉडी इज डिप्राइव्ड ऑफ एडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई एट द टिश्यू लेवल, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंडीशन इन विच द ह्यूमन बॉडी इज डिप्राइव्ड ऑफ एडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई एट द टिश्यू लेवल, एंड द ऑप्शंस आर मायोक्सिया, हाइपोक्सिया, हाइपरोक्सिया, टाइपोक्सिया, यस अथर्व सिंह राइट आंसर, खुशबू कुमारी इट्स ओके, श्रेया भारती, कार्तिक राज आपका सही नहीं है,
यस खुशबू कुमारी, नाउ यू आर राइट। अर्णव ठाकुर, कार्तिक राज सही है। चलिए सही जवाब आ गया है, कई लोगों ने दूसरे अटेम्प्ट में दिया है। एडीके गेमिंग नहीं, सही नहीं है आपका। कुछ लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में सही जवाब दिया है। एंड द राइट आंसर इज हाइपोक्सिया। जब टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की काफी कमी हो जाती है तो इस तरह जो कंडीशन होता है, इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोक्सिया। ऑप्शन बी हाइपोक्सिया इज द राइट आंसर। नो नो श्रेया भारती, ऑप्शन सी नहीं, हाइपोक्सिया, नॉट हाइपर हाइपरऑक्सिया नहीं, हाइपोक्सिया इज द राइट आंसर। ओके, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी हाइपोक्सिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। कैमेलिया साइनेसिस प्लांट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस विच बेवरेज। कैमेलिया साइनेसिस प्लांट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस विच बेवरेज एंड द ऑप्शंस आर कॉफी, टी, वाइन, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 19, कैमेलिया साइनेसिस प्लांट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस विच बेवरेज एंड द ऑप्शंस आर कॉफी, टी, वाइन, नन ऑफ दीज। श्रेया भारती, यहाँ टिश्यू प्लस टिश्यू लिगामेंट नहीं पूछा था मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नो 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 नो, कार्तिक राज सही नहीं है। मिस्टी, यस मिस्टी आपका सही है। श्रेया भारती, कार्तिक राज गलत। श्रेया भारती आपने तीसरे अटेम्प्ट में सही कर दिया है, दूसरे अटेम्प्ट में सही किया है, ठीक है। अर्णव ठाकुर ठीक है, खुशबू कुमारी ठीक है। चलिए बहुत सारे लोगों ने, कार्तिक राज अब आपका भी ठीक है। चलिए बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दे दिया है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी टी। कैमेलिया साइनेसिस प्लांट से टी प्रोड्यूस किया जाता है, चाय। माउंटेन लवर्स, यस सही जवाब। आई एम सब्सक्राइबर, सही है आपका भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। नासाज क्यूरियोसिटी रोवर कैप्चर्ड इमेजेस ऑफ अ क्लाउड ओवर द गेल क्रेटर सिचुएटेड इन विच एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी। नासाज क्यूरियोसिटी रोवर कैप्चर्ड इमेज ऑफ अ क्लाउड ओवर द गेल क्रेटर सिचुएटेड इन विच एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी एंड द ऑप्शंस आर जुपिटर, मार्स, मून, वीनस। मिस्टी सही नहीं है। श्रेया भारती आपका भी सही नहीं है। कार्तिक राज राइट आंसर। आई एम सब्सक्राइबर, नो 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 नो, यस माउंटेन लवर सही है। आई एम सब्सक्राइबर सही है। अर्णव ठाकुर आपका सही है। अर्णव ठाकुर आपने सबसे पहले सही जवाब दिया था लेकिन आपने डिलीट कर लिया था अपना आंसर। आई एम सब्सक्राइबर सही है। श्रेया भारती राइट आंसर। चलिए बहुत सारे लोगों के सही जवाब आ गए हैं। एंड द राइट आंसर इज मार्स। नासाज क्यूरियोसिटी रोवर ने इमेज कैप्चर किया था गेल क्रेटर का जो कि मार्स पे स्थित है। सो द राइट आंसर इज मार्स। मिस्टी सही है आपका भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। लकी लूसी मिशन वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच स्पेस एजेंसी। लूसी मिशन विच वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच स्पेस एजेंसी एंड द ऑप्शंस आर इसरो, नासा, ब्लू ओरिजिन, स्पेसएक्स। कार्तिक राज सही नहीं है। मिस्टी, श्रेया भारती सही जवाब नहीं है आपका। खुशबू कुमारी नो। किसी का भी अभी सही जवाब नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 21। लूसी मिशन किस स्पेस स्टेशन से रिलेटेड है। कार्तिक राज सही जवाब, सही है अब आपका। दूसरे अटेम्प्ट में आपने सही किया है, ठीक है। श्रेया भारती अब आपका भी ठीक है। चलिए बहुत सारे लोगों को शायद इस क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है। इट्स डोंट वरी, पता नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब पता हो गया तो इसको याद कर लीजिए। मिस्टी, श्रेया भारती बार बार आंसर बदल रहे हैं, पहले सही किया था फिर अब अपने गलत कर लिया। चलिए मैं बता देता हूं, अथर्व सिंह नाउ इनकरेक्ट। राइट आंसर इज नासा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नासा। लूसी मिशन
नासा ने लॉन्च किया था, नासा इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। यस अथर्व सिंह, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हैमिल्टन्स ऑब्जेक्ट विच वॉज डिस्कवर्ड रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड। हैमिल्टन ऑब्जेक्ट विच वॉज डिस्कवर्ड रिसेंटली इन एसोसिएटेड विथ विच फील्ड, एंड द ऑप्शन आर फिजिक्स, स्पेस साइंस, वायरोलॉजी, इकोनॉमिक्स। यस श्रेया भारती, अथर्व सिंह, मिस्टी, सही जवाब। श्रेया भारती सही है, पहले भी जवाब आपने सही दिया था। कार्तिक राज नहीं, आपका गलत है। यस कार्तिक राज आप सही कर लिया आपने। चलिए कई लोगों ने सही जवाब दे दिया है। चलिए फ्री फायर की बात ना करें। चलिए राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्पेस साइंस। स्पेस साइंस से रिलेटेड है आपका हैमिल्टन ऑब्जेक्ट, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, स्पेस साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैम्ब्रिज वन विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज सुपर कंप्यूटर ऑफ विच कंट्री। कैम्ब्रिज वन विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज सुपर कंप्यूटर ऑफ विच कंट्री, एंड द ऑप्शन आर यूके, रसिया, यूएसए, जापान। नो अथर्व सिंह, नॉट राइट, यू आर नॉट राइट। श्रेया भारती आपका भी सही नहीं है। मिस्टी नो, माउंटेन लवर नो, नो नो। अथर्व नहीं, अभी तक किसी का सही जवाब। यस यस अथर्व सिंह, आपने काफी सारे अटेम्प्ट के बाद सही जवाब दिया है। कार्तिक राज आपका भी सही है, अथर्व आपका भी सही है, मिस्टी माउंटेन लवर्स गलत जवाब अभी भी। चलिए ओके, काफी सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, काफी सारे लोगों ने गलत जवाब ही दिया है। राइट आंसर इज यूके। कैम्ब्रिज वन यूके में है, यूके का सुपर कंप्यूटर है जो हाल में रिसेंटली न्यूज में रहा है, इज बिलोंग टू यूके। सो द राइट आंसर इज यूके, यूनाइटेड किंगडम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आंसर आपको पता नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसको आप याद कर लीजिए। ओके कार्तिक, इट्स ओके, याद कर लीजिए, नेक्स्ट बार जब हम रिपीट करेंगे कभी क्विज में तो आप सही बताइएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसी इज बिल्डिंग अ टेलीस्कोप नेम्ड सुपरबिट। विच स्पेस एजेंसी इज बिल्डिंग अ टेलीस्कोप नेम्ड सुपरबिट। क्वेश्चन नंबर 24, विच स्पेस एजेंसी इज बिल्डिंग अ टेलीस्कोप नेम्ड सुपरबिट, एंड द ऑप्शंस आर इसरो, नासा, ईएसए, रोकोसमोस। नो मिस्टी, सही नहीं है। आप लोग लड़ाई नहीं करिए, आंसर दीजिए। कार्तिक राज नहीं, सही नहीं है। कार्तिक राज ठीक है, अब आपने सही किया है। मिस्टी अभी भी गलत है। श्रेया भारती नो। चलिए शायद आप लोगों को पता नहीं है, इट इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नासा, ऑप्शन बी, नासा इज द राइट आंसर। सुपर बिट टेलीस्कोप नासा का है, नासा ने बनाया है सुपर बिट टेलीस्कोप, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, नासा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट बिलोंग टू विच स्पेस एजेंसी। ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट बिलोंग टू विच स्पेस एजेंसी। चलिए ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट बिलोंग टू विच स्पेस एजेंसी। ऑप्शंस आर नासा, वर्जिन अटलांटिक, स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन।
मिस्टी सही जवाब, फर्स्ट राइट आंसर फ्रॉम मिस्टी, देन कार्तिक राज। माउंटेन लवर्स आपका भी सही है, श्रेया भारती गलत आंसर। यस श्रेया भारती अब आपने सही किया सेकेंड अटेम्प्ट में। ओके कई सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। कार्तिक राज आपका सेकेंड आंसर था, सबसे पहले मिस्टी ने दिया था जवाब। चलिए राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी स्पेसएक्स। ओके नेट स्लो है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आपको पता है तो अच्छी बात है। स्पेसएक्स इज द राइट आंसर। चलिए ओके बहुत कम लोग आजकल ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए सी यू टुमारो 8 PM, कल भी 8 बजे होगा लाइव क्विज। ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें, ज्यादा से ज्यादा लोग करें, वीडियोस देखिए। आज जो वीडियो रिलीज हुआ है सेंस ऑर्गेन पार्ट 2 आईज के बारे में देख सकते हैं, उसके बारे में आईज के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है। और नेक्स्ट 1-2 दिन में होने वाला है नेक्स्ट वीडियो रिलीज जो कि सेल से रिलेटेड होगा, सेल के बारे में होगा। तो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है अबाउट सेल, सेल इट इज द फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो होगा 1-2 दिन में रिलीज होने वाला है, मंडे या ट्यूसडे को। ओके तो सी यू टुमारो 8 PM। ओके बाय बाय, गुड नाइट।